नामी मोहतरम ताहिर फरहान साहब रामपुरी ने आपकी फरमाइश पर वो खूबसूरत सी नज्म, बहुत खूबसूरत हो तुम, ये नज्म यहाँ पेश की। और यकीन जानिए जिस वक्त नज्म के आखिरी मिसरे पढ़े जा रहे थे तो आपने जिस तरह से तमाम पूरा मजमा जिस तरह से इस नज्म में शरीक हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये मोहब्बत करने वालों का मजमा है। हाँ हाँ बिल्कुल, उम्रा के महजब आवाम नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, शुरू से इनका मसला वही है कि आवाज़ नहीं आ रही। चलिए कोशिश करते हैं और आप मिलके कि आवाज़ आप तक पहुंचे। मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त दें भाइयों, क्योंकि ये उस अजीम रिश्ते की नज़र है मेरी, ये नज़्म जिसको सुना के मैं शायद अगर झूठ ना कहूँ तो जन्नत का मुस्तहक होने का खुद को एक दावेदार या एक उम्मीदवार समझ सकता हूँ और आप लोग भी रिश्ते की अहमियत से वाकिफ है। मैं शुरू करता हूँ। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई। वाह वाह वाह, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँखों निचोड़ी। चाहे तू तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँखों निचोड़ी। मुझे हालात ऐसा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए पूरा मजमा खड़ा होकर उधर देखने लगा। आप लोग बैठ जाइए। हाँ आप बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। सर वॉलेंटियर स्टेज पे है, पीछे कौन जाएगा? सब वॉलेंटियर बैच लगा के स्टेज पे बैठे, पीछे कौन जाऊंगा? मैं जाऊं? चलिए आप, चलो भाई साहब उठिए, जिसके जिसके गले में बैच है सब पीछे जाओ, बैठ जाइए प्लीज। आप उठिए, आप उठिए, आप बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए आप, हजरात तशरीफ रखिए। आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। ये अगर कहीं कोई इंतजाम में कहीं कोई कमी है तो उसको सही कर दिया जाएगा। आप बैठ जाइए, ये जो जहां बैठा है वो वहां बैठ जाए, बैठ जाइए। ये यकीन मानिए इससे क्या होता है कि हमारे आने वाले कल में ये बात कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखिए इस बात का कि आपको अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए थोड़ी बहुत अगर कोई कहीं सहमत हो रही है तो उसको झेल लीजिए आप। मैं शुरू करता हूँ फिर से। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। क्या करना, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, वाह संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, घबराता है मन मेरा, इन झूठ
टूटे रिश्ते नातों में, बस प्यार है सच्चा तेरा। क्या कहना बाबा, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में, बस प्यार है सच्चा तेरा। क्या कहना बाबा, बस प्यार है सच्चा तेरा, सब दुख सुख में ढल जाए, सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी बाहें जो मिल जाए, मिल जाए मुझे खुदाई। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, क्या कहना, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, सर्दी से ठिठरती जाए, क्या करना, ठंडा बिस्तर अपनाए, वाह वाह, मुझे देखे गर्म बच्चा बनने को जी चाहता है किसी भी उम्र में चले जाए, तो वो जब चली जाती है एहसास तब होता है कि क्या खो गया, जब तक होती हम ज्यादा कदर नहीं करते बाखुदा उसको। फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, क्या कहना, फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले। वाह 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 वाह। फिर कोई शरारत हो मुझसे नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको, बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पन्नों में बंदी मिठाई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। वाह अगर बच्चा तड़पता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। आपने बड़ा अच्छा माहौल देकर गया है, बड़ा संजीदा माहौल है ये। अगरचे कि मेरा मकाम नहीं है, फिर भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितेंद्र अहवार साहब, उनके रुफ़ाएकार का मशकूर हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, चार मिसरे पेश करता हूँ यकजहती के नाम से। जितेंद्र साहब देखिए,
वफा का प्यार का मौसम बदलने हम नहीं देंगे, किसी दुश्मन को कोई चाल चलने हम नहीं देंगे। वफा का प्यार का मौसम बदलने हम नहीं देंगे, किसी दुश्मन को कोई चाल चलने हम नहीं देंगे। सभी दोस्तानी ये कसम खाए चलो मिलकर, वतन को आग में नफरत की जलने हम नहीं देंगे, नफरत की जलने हम नहीं देंगे। दोस्तों आइए कौम की बेदारी की बात करता हूँ, एक नज्म छोटी सी नज्म बहुत मुख्तसर, तो वक्त आपका लूंगा फिर अपनी जगह। मिल्लत की बेदारी के लिए जहाँ हमें इतिहास की जरूरत है, मैं एक पैगाम देता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश करूँगा। आजकल हमारे कौम के हालात, सारी दुनिया में जहाँ मुसलमानों के हालात है, मेरे पास क्या वजह है, मैं पेश करता हूँ कि किसे कहते हैं बेदारी किसी सूरत नहीं आती। नदीम भाई, किसे कहते हैं बेदारी किसी सूरत नहीं आती, जलीलो फार होकर भी हमें गैरत नहीं आती। वाह वाह। किसे कहते हैं बेदारी किसी सूरत नहीं आती, जलीलो फार होकर भी हमें गैरत नहीं आती, और नतीजा है यही यारो हमारी इंतशारी का, अगर हम मुत्तहिद होते तो ये नौबत नहीं आती। अगर हम ये नौबत नहीं आती। आइए दोस्तों, मैंने दो तीन रोज पहले सोशल मीडिया पे एक बात पढ़ी है कि फला कब्रस्तान से जो है फला फिरके के आदमी की हम जो है लाश निकाल दी गई है। बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है दोस्तों, हम लोग ऐसे हो ही नहीं सकते। यकीनन नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और दुश्मन पूरी तरह उसमें कामयाब हो रहा है। मैं छोटी सी नज्म पेश करके अपनी जगह ले लूंगा, समाप्त करें। आपके लिए पैगाम है मेरे तरफ से, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम, वक्त की है सदा होश में आओ तुम, वक्त की है सदा होश में आओ तुम, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम, एक हो जाओ तुम। 50 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक मुख्तलिफ लहजे की शिनाख्त बनाने वाले शायर, और अगर उर्दू मुशायरों का जिक्र करूं तो मैं अक्सर कहता हूं उर्दू मुशायरों में सिक्के राइजुल वक्त के तौर पर एक कलंदर सिफत शख्सियत जो अपनी शख्सियत से भी पहचानी जाती है और अपनी शायरी से भी, जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उनको उन्हीं के चार मिसरों से आवाज देता हूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए, सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। देखिए ऐसा है, पहले सलाम कर लूं आपको, मैंने ऐसा है कि 40-50 साल हो गए मुशायरा पढ़ते पढ़ते, तो इतना तमीज तो आ ही गया कि किस वक्त क्या बोलना है, किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। मुझे मालूम है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी का। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ ही जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि मुझे इख्तसार से पढ़ना चाहिए, और मुकाबला कव्वाली का जिस तरीके से अभी हुआ उसे ग्रेस करना चाहिए। हालांकि खातून ने मुझे भी निशाना बनाया, मेरा भी नाम उन्होंने लिया। मैं तो वो छोटी हैं मुझसे, हमारे सूबे की हैं, उन्हें मैं जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन एक शेर मुझे याद आ गया, वो दुआ की तरह है, वो दुआ आप पढ़ते हैं तो उसके बाद मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ूंगा। पहले ये मैं कह दूं जनाब के ये सैयद अली अशरफ साहब यानी भाई साहब, शमीम खान साहब, शाहनू पठान साहब,
उनके रुख़्तार ख़ास तौर पर जितेंद्र भाई साहब, इन सब की मेहनत का ये कमरा है। यकीनन हम महीने में 20 रातें मुशायरों में गुजारते हैं। खुदा की कसम ऐसा मुशायरा मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। मुबारकबाद करता हूँ। ये एक बात अर्ज कर दूँ कि ये हमें मैंने भी जो नाम लिए उससे खुद याद गया था कि इनका नाम जरूर लेते हैं, उनका लेना भी चाहिए कि उनकी मेहनत है ये। लेकिन ये बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए पता ही नहीं चलता। इन्होंने भी मेरा ख्याल ये नाम 50-60 बार ले चुके आज सारी रात में। एक मरतबा इसी की तरह नदीम फारूक, जो मेरे छोटे भाई, इन्हीं की तरह निजामत कर रहा था, मैं फंस गया था। तो एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि अनाउंस कर दीजिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ कहीं भी हों वो घर चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया। तो मैंने अनाउंस किया कि मोहम्मद यूसुफ साहब जहाँ कहीं हों वो घर चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया है, उसकी खैरियत मालूम करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पर चढ़ा क्यों था। शेर सुनिए। भाई शबाना, एक मतला सुने कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। जागने की भी आदत, जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, आदत हो जाए। अब कहाँ इस उम्र में शाहजहां के चक्कर में पड़ी हुई है। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। इतने बड़े मजमे में अगर मैं यही सब कुछ करता रहूंगा तो मैं अपने साथ भी नाइंसाफी करूंगा और आपके साथ भी। आइए, मेरे पहले शेर के साथ ही आप शरीक हो जाएंगे तो मेरा जी लग जाएगा पढ़ने का। घड़ियां लगा लीजिए, 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, उसके बाद आपका। नहीं नहीं नहीं, 6 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा आपको, 6 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा आपको, 7 मिनट टाइम टाइम तो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, आप जब तक चलेंगे। लेकिन मुझे 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 खुद उसका इंतजार है जिसका आपको इंतजार है, तो इस बात का लिहाज जरूर। अरे सर, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। सुने, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। नौजवानों को ना जाने क्या क्या दर्श दी जा रही थी, नौजवानों को मैं भी अपनी तरफ से शेयर पेश करना। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। नए चांद उगाने होंगे, तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। एक शेर इस खूबसूरत मुशायरे में क्यों खड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। जीते भाई, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, पत्थर हर दिन उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं, क्या कहना सर, वाह वाह वाह, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। साहब चलते फिरते हुए जितेंद्र भाई, एक यहाँ भी बैठा हुआ है, नया बैठा हुआ है। सुने नहीं, वो जिसको ताहिर के साथ हो रहा था वैसे ही वो ही अलाउड लंबा बोल वाला है। हाँ, ये शेर देखिए, नौजवान ने याद दिलाया, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ। अल्ताफ जिया ने एक गजल का एक शेर याद दिलाया था, जो मतला आपने सुनाया था उसके साथ ये शेर सुनाने के लिए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए,
दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? इससे पहले कि ये तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। एक मतलब सुने के चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हारे लिए। मैं बता दूं, महताब कहते हैं चांद को। तुम आइंदा जब आओ तो सीख कर आना और फिर यहाँ बैठना। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। क्या कहना, क्या चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। बता दिया सुबह। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, कुछ ख्वाब दिखाएंगे। एक शेर मेरे पास है, इतने खूबसूरत मुशायरे में जितेंद्र भाई, एक शेर मेरे पास है जो मैं आपको वक्त के साथ सुना सकता हूँ, आपकी नजर सकता हूँ, सुन के आप बताइएगा, सुना के मैं बता दें। नील से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह वाह वाह। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। बस इसी का इंतजार कर रहा था कि मैं जहाँ कोई अच्छा शेर पढूं और आपका वॉल्यूम दांत का डाउन हो और मैं वापस चला गया, तो मेरा सारे काम हो गया है। मेरा जीतन अभी अगर इजाजत है और बहुत दो चार पढ़ने, आप दो चार शेर और सुने। देखिए मैं असल में कस्सा ये है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे जब तक इसकी सांस चलेंगे। तो जब तक आपकी आपकी हौसला अफजाई आपकी। अरे भाई साहब आप हौसला अफजाई कीजिए उनकी। क्या हुआ तुम्हारे पास? देखिए हौसला अफजाई का मतलब ताली बजाना नहीं है यार। कोई बस्ती तो ऐसी हिंदुस्तान में बच जाए जहाँ शायद मुशायरे की तहजीब हो। सुभान अल्लाह कहिए, वाह वाह कहिए। कोई ताली बजाने वाले थोड़ी है भाई। सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को, जितेंद्र भाई आपकी नजर कर रहा हूं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अगर लगा तुम जाए, हम अपनी जान के दुश्मन, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भाई मुंद्रा के लोगों, दो तीन साल के बाद आया हूँ, मेरा ख्याल है बीच में तीन चार साल पहले जीतेंद्र भाई ने बताया कि मैं, मुझे याद नहीं रहता कि मैं किस शहर में कब आया था। अभी जीतेंद्र भाई ने बताया कि तीन चार साल पहले आप आए थे यहाँ पर, लेकिन सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और मेरे अंदर से एक के इबाद कहां जा रहा मेरे बेटे आजा आजा मोहब्बत की इसी मिट्टी को मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते वाह वाह मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं जिसे ईमान कहते हैं और साहब देखिए फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए हाँ फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कह जाए फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान करते आप लोग भी सही बोला जिंदगी बन जाए एक मतलब और एक शेर और सुनाता हूँ उसके बाद तब देखेंगे हालात क्या पैदा होते हैं सुनिए साहब के देखिए फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए क्या कहना फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए इसके जिम्मेदार बैठे हैं शायद देखिए फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते क्या कहना मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ वरना अल्ताफ जिया कहेंगे किसी मनहूस का नाम दे दे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन शेर वहीं पहुँचना चाहिए अल्लाह करे कि वह हिंदुस्तान में ही हों जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए क्या साहब और हिम्मत है आपने होता है देखिए ऐसा है कि मुझे मालूम है कि इमरान को गर्म होने में एक घंटा लगता है तो उसके लिए मैं एहतियात कर रहा हूँ एक गजल सुनाता हूँ ये गजल ही इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है और मैं ज्यादातर मुशायरों में सुना रहा हूँ ये भी इशारों की गजल है लेकिन मुझे लग जाएगा कि आप मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ जा रहे हैं ये लाल कुर्ते वाले साहब ना जाने क्यों मेरी गजल की छाती पर पांव रख कर जा सुनिए मजा लीजिएगा अच्छा है ये मतलब हालांकि इस वक्त दादवाद भी कोई देता नहीं है इंडिया में और ज़्यादा कुछ समझ मेरा ख्याल पहुँचते भी नहीं लेकिन ये यहाँ पर मेरा ख्याल है मेरा नुकसान नहीं हो सुनिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में तजल्लियों का बेटे तजल्ली के रोशनी तजल्लियों का नया इमरान ये देख लेना तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने तजल्लियों का नया देखिए इसमें एक शेर और भी ऐसा आ सकता है जो आप पर भारी पड़े मतलब आपकी समातों पर
लेकिन अगर समझ में शेर ना आए तो एक फकीर फकीर और छोटे से शायर का मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए दान दे देना। इसलिए कि शेर बुरा कोई सा भी नहीं है, ये मेरा वादा है। तजल्लियों का नया दायरा इधर भी है, तजल्लियों का नया बेटा कहाँ आ गया, घर पे छोड़ के माँ बाप ने भेजा, जान बूझ के जाओ चाय वाले के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, पता नहीं कब वजीर आजम बन जाए। सुनिएगा ये मतलब अच्छा था, हाँ काय के तजल्लियों का नया दायरा बनाने में वो शबाना से ऑटोग्राफ लेने आया, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। देखिए आप लोग फाजिल पढ़े लिखे आलिम फाजिल बैठे में, ये अड़े भिड़े खड़े चढ़े खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी, ये कभी भी शायरी की लैंग्वेज नहीं होती है। लेकिन मैं ये अड़े से ही शेर बना के बताता हूँ। अगर मैं बना चुका हूँ, बनाने में कामयाब हो गया तो बताइएगा कि राहत में कामयाब है। मतलब ये पढ़ा कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चराग लगे हैं हवा बनाने में, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, ताजिया नाम ले लिया मैंने। अड़े थे दिपके के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे जमाना खुदा बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें ना परेशान करो। एक अच्छा शेर आ रहा है गजल का, इंसाफ करेंगे आप, आपके इंसाफ चाहता हूँ। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग, देखिए मैं चाहता था यूं भी कर सकता था, लेकिन देखिए मैंने यूं किया है तो कुछ इसका कुछ माने रखता है। ये चंद लोग इसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल है, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने वाला। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शब्द की राहत भाई और पटना हो।
जी एक दो चार शेर और मैं अल्लाह याद रहने के लिए हमें अरे वाह खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए ये फरमाइश है देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने मुझे याद दिलाए हैं ये मुशायरा तो अपनी जगह पर होते हैं मुशायरा लेकिन अच्छे से याद कर लेना ये भी बहुत बड़ा है और उसने जब भी मुझे कोई शेर याद दिलाया कभी भी किसी मुशायरे में तो अच्छा ही शेर याद दिलाया मैं उसके एहतराम में मेरी गजल के दूसरी शेर पढ़ता हूँ मजा आ जाए सर सुनिए कि खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए 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 मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए खड़े आगे कमजोर पड़ गए जब तक तेरी सांस से कदम चलेंगे खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए मैं घर से निकला था बाजार मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए मैंने जिंदगी में साहब कुछ बड़ा कारनामा तो नहीं किया और मुझे कोई गर्रा भी नहीं कि बड़ा शायर हूँ ये वो हिम्मत करता हूँ कोशिश करता हूँ मेहनत करता हूँ कोई एकाश शेर कबूल हो जाए इसके लिए जिंदगी में लेकिन कभी कभी शायर को कोई शेर अपना पसंद आ जाता है मेरी जिंदगी में भी मुझे कभी अपने कहे हुए दो चार शेर पसंद आए हैं उसमें से एक ये है जो मैं आपको पढ़ सुना अल्लाह करे आप लोग भी पसंद कर लें तो मेरी खुश फहमी सच्चाई में तब्दील हो जाए खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए और सुने मुमरा के अच्छे लोगों अल्लाह का ये शेर बड़ा पसंद आया आप लोगों को खड़े हैं मुझको खरीदार देखने हजारों बार हजारों की समत देखते हैं हजारों बार हजारों की समत देखते कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार हजारों की समत देखते हैं तरस गए तुझे एक बार देख देखते हैं तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए ये मेरे सामने मौजूदीन अखबार के लोग बैठे हैं आप लोगों की एक शेर नजर करता हूँ और उसके बाद रुख्सत हो जाऊंगा लेकिन फराख दिली से शेर की दाद तो चाहूंगा आप लोगों से अगर सच्चा हो तो सुनिएगा कि तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों कोशिश करूंगा कि 10-15-20 मिनट में भी आपसे रूबरू रह सकूं। चार मिसरों से अपनी शुरुआत करता हूं। बहुत कुछ मेरे जैसा मेरी नज्मों का चरबा मेरी धुने आप सब कुछ सुन चुके हैं मैं सोच रहा था कि काम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं नदीम भाई के कुछ अच्छा नदीम साहब गुजर गए चलिए था शहंशाह को गुरूर बहुत इधर से लेकर के उधर तक वहां तक
कोशिश करता हूँ आप सबको वहां तक पहुंचाने की जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आखिरी लम्हा है मुशायरे का, शायद थोड़ा सा जिंदगी और थोड़ा सा जोश पैदा कर सकूं आप में। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। छाती थी 56 इंच की उसकी, कमजोर ना पड़े आप पीछे तक, अगला मिसरा सच्चा लगे तो एक हाथ को कसम। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। छाती थी 56 इंच की उसकी, उसको भी लालू ने सिकोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। तभी चाय आई थी और राहत साहब ने बहुत मौके का एक जुमला कह दिया कि चाय वालों पे कुछ ना बोला जाए, कब कौन कहां पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं। चाय का जिक्र हुआ था, मुझे चार मिसरे याद आ गए साहब। यहाँ बहुत सारे उत्तर भारतीय बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके इर्द गिर्द के लोग बैठे हैं। आप सारे लोगों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं साहब कि अगर आप बिहार ना जीते होते तो वो जो दिवाली थी वो पटाखों से नहीं, आपकी झोपड़ियों से मनती, ये भी सच बात है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। पहुंचिएगा, मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि आप थक चुके हैं, आपसे पूरी रात दाद वसूल की गई है, जबरदस्ती तालियां बजवाई गई हैं और कुछ कुछ तो डरा धमका करके बजवाई है जितेंद्र साहब ने। माइक लेकर बैठ गए और हर शायर पे जहां आपका कसूर नहीं था वहां भी आपसे दाद वसूल करवाई। मैं तो सोच रहा था कि मैं माइक पाऊंगा तो जितेंद्र भाई से कहूंगा कि जितेंद्र भाई मुशायरा सजाने की, मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सामईन की नहीं है, शायर की भी होती है, दोनों से मामला बराबर बराबर चलता है। लेकिन आपकी मोहब्बत में लोगों ने वहां भी ताली बजाई जहां नहीं भी बजा सकते थे बेचारे। तो मैं चाह रहा हूं कि वो जो जोश थोड़ा खत्म सा हो गया है वो मेरे हिस्से के लिए बचा हो तो मेरा साथ दीजिएगा। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठेगा, अब तक किस सबसे बड़ी दाद मांगता हूं कि कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा। बहुत मोहब्बत है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, लगे हाथ, बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं शमीम भाई को। शमीम भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझे वो दिन भी याद है। नहीं, आप स्क्रीन पे क्यों देख रहे हैं, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, स्क्रीन पे क्यों देख रहे हो, सीधे सीधे देखो ना आप, तो बेहतर है कि स्क्रीन का शोर मचाना बंद करिए। मैं इंशाल्लाह अगर माइक खराब भी रहा तब भी आप तक आवाज पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे मेरा। शमीम भाई को बहुत मुबारकबाद। शमीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे याद है किसी एक मुशायरे में शायद 3 या 4 साल पहले जब आप सामने शमीम भाई बैठे थे और शमीम भाई ने घर वापसी करी थी अपनी, तो वो कमाल का दिन था साहब, उन्हें मुबारकबाद उस दिन से लेकर के अब तक। उसके बाद इनके गाँव जाना हुआ मुशायरे में, 18 मई को फिर वो मुशायरा है, बहुत
अजीमुशान मुशायरा किया और जितेंद्र भाई भी उसमें गए हुए थे, तो उनको बहुत मुबारकबाद, साथ में शानू भाई को बहुत मुबारकबाद। ये नींव के पत्थर हैं इस मुशायरे के लिए, इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जितेंद्र भाई को तो मुबारकबाद है ही, मेरे सारे दोस्त जो बैठे हैं, एक खूबसूरत इजाफा हुआ है साहब, सुफियान खालू को देख रहा हूँ मैं, शारिक को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने दाढ़ी रख ली है, नमाजी हो गए हैं, ये खास बात है। ये जो जीन्स और टी शर्ट वाले लड़के थे, इन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी रख ली और दाढ़ी सुन्नत के हिसाब से रखी है, तो मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इन लोगों के लिए, इनके बदलाव के लिए, इन्हें बहुत मुबारकबाद। कमर भाई मेरे दोस्त सामने बैठे हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। सच ने अन्याय को हरा डाला, 56 इंच 56 इंच, जितेंद्र भाई वो जो 56 का आंकड़ा था अब जाके पूरा हुआ, 53 बिहार में 3 दिल्ली में, अब जाके 56 पूरा हुआ है। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। 4 मिसरा और पढ़ता हूं। हमारे देश में बाबा है, दुनिया की हर मर्ज का इलाज है बंदे के पास, फैक्ट्री खोल रखी है, दुनिया तकरीबन 3 बजे तक चलाया है आप लोगों ने, तो बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। वो इस मुशायरों को कामयाब बनाने वाले सभी हमारे मेंबर्स, जो शमीम भाई, शानू भाई, सैयद भाई, कमर भाई, सभी भाई, मुस्तफा भाई, इनका सबका शुक्रिया, पर कर हंस करके आपका शुक्रिया जो आप इतनी तादाद में, इतनी संख्या में यहाँ पे शांत बैठे रहे। फिर से ये दोहराते हुए, ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, फिर से एक बार इस साल की 24 तारीख को मिलेंगे। इस साल के 24 तारीख को इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाया जा रहा था, और इस 24 को हम फिर से एक बार मिलेंगे। इमरान जी, राहत जी और जितने भी शायरान यहाँ पे थे, उनको लेके फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपकी दुआओं के साथ खुदा हाफिज। साथियों, एक ऑडियो क्लिप है, आपको मालूम है कि मुनव्वर राना साहब को इस मुशायरे में आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। उन्होंने एक पैगाम आपके लिए भेजा है ऑडियो क्लिप की शक्ल में। साउंड वाले वो ऑडियो क्लिप चला दें, सब लोग उसको सुनना चाहते हैं, तो चला दें। अरे ये साउंड वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, चला दीजिए भाई। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान के महानाज शायर जितेंद्र आर साहब, सैयद अली अशरफ साहब, शमीम खान साहब, डॉक्टर मुमताज शाह, सभी कमेटी मेंबर और जो उसे मुहब्बत करते हैं, मेरे दोस्तों को शरीक करते हैं। आज मुझे वादे के मुताबिक उमरा में होना था, कई बरस से मैं जमरिया हो जाता था कि मैं नहीं आ पाता था, इस बार मेरे तौर पर मैं तैयार था हर तरह से, लेकिन मैं बेहद शर्मिंदा हूँ मेरी वालदा के इंतकाल की वजह से, मैं तकलीफ टूट गया हूँ कि मैं फिलहाल तो मैं किसी लायक नहीं रह गया। मैं वादा करता हूँ जिंदगी रही मैं आपका कर्जदार हूँ, इखलाकी तौर पर, खास तौर से इंशाल्लाह
अगले वर्ष सिर्फ आपने तारीख बता दी और मैं आपके खिदमतगार भी हाजिर हो जाऊंगा। मैं तमाम लोगों से दरखास्ता में मदद चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी वालदा मरहूमा की मफ़रत के लिए अगर आप दुआ कर देंगे कि मुझ पर और एक एहसान होगा। मुझे इस एहसान की जरूरत भी है और उम्मीद भी है। खुदा हाफिज़। आपका दोस्तों और साथियों, ये माजरतनामा था जनाब मनोहर राणा साहब का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुसूसन मुमरा कौसा के सीनियर जनाब तारे साहब और पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये शुक्रिया अदा हो रहा है। मुझे आखिर में आपसे कहना है कि तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सोना मेरा। बहुत शुक्रिया हजरात। एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लें। 31 मार्च को उतरौला बलरामपुर में एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अनवर महमूद साहब साबिक एमएलए की जानिब से किया जा रहा है। जो हजरात वहां से ताल्लुक रखते हैं या वहां पहुंच सकते हैं, वो इस मुशायरे में शरीक होकर मुशायरे को कामयाब